Hello, good morning students. Now I am going to explain some protective tissues of plant. Students, plants mein kuch protective tissues bhi present hote hain. What question here? What is protective tissues? Those plant tissues which help in protection of different parts of plant from pathogens mean germs which cause the disease are called pathogens, comma heat, comma cold, and some insects also. Comma are called protective tissues. Student, plant ke andar plant mein kuch aise tissue hote hain jo keval protection ka kaam karte hain. Plant ke jo different internal parts hain wo kisi tarike se bhi affected na ho, wo pathogen se, heat se, cold se और कुछ इंसेक्ट्स से हमेशा प्रोटेक्ट रहे, उनकी फंक्शनिंग किसी टाइप से डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे टिश्यूज को प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज epidermis, second one is cork. First is epidermis, second is cork. अब क्वेश्चन है स्टूडेंट, epidermis क्या होता है और cork क्या होता है? स्टूडेंट, epidermis is a protective tissue which made up of which consists तो स्टूडेंट एपिडर्मिस वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एपिडर्मल लिविंग सेल्स से बने होते हैं। दो प्रोटेक्टिव टिश्यूज विच आर made up of epidermal cells are called the epidermis. Of cork is a protective tissue which made up of the dead cells. Student, you can draw the structure of the epidermis. Epidermis जो होती है students बाहर वाली लेयर होती है, लीव्स, स्टेम, जो डेलिकेट स्टेम यंग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, और लीव्स में
कहा जाता है? एपिडर्मिस। और इन एपिडर्मिस में बीच बीच में कुछ ओपनिंग्स होती है, इन ओपनिंग्स को स्ट्रैंड स्टोमेटा कहते हैं। दीज आर द लिविंग सेल्स एंड अ बैक्सी लेयर प्रेजेंट अबव द एपिडर्मल सेल्स। दिस बैक्सी लेयर इज नोन एज क्यूटिकल। ये जो वैक्सी लेयर एपिडर्मिस की सरफेस पे प्रेजेंट होती है स्ट्रैंड, दिस वैक्सी लेयर इज नोन एज द क्यूटिकल। ऑफ दिस क्यूटिकल हैव टू प्रिवेंट द लीव्स फ्रॉम रेन। आपने देखा होगा रेन जब होती है तो वाटर डायरेक्ट लीव्स पे गिरता है, फिर उससे वो स्मूथ होने की वजह से सरफेस जो है वो वाटर जो है वहां से लीव से नीचे गिर जाता है। तो स्ट्रैंड जो एक लीव के अगर हम स्मूथ सरफेस जो अपर स्मूथ सरफेस होती है वो इतनी ज्यादा स्मूथ क्यों होती है, रीजन है इसके पीछे कि उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। तो क्यूटिकल जो होता है वो रेन के वाटर से लीव्स को और डेलिकेट स्टेम को बचाता है। तो स्ट्रैंड इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज अ आउटर कवरिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट एक हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू ऑफ लीफ स्टेम एंड रूट। नाउ पार्क क्या होता है? पार्क इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ पार्क जस्ट लुक लाइक दिस वे। इनकी जो सेलवाल होती है स्ट्रैंड ये थिक होती है। आपने ट्री में ये कॉर्क देखा होगा जो ट्री के बुडी स्टेम होते हैं उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहीं पे बार्क होती है, बार्क में ही कॉर्क होते हैं। ओके स्ट्रैंड, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री। ओके स्ट्रैंड, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द क्वार्क एंड एपिडर्मिस। तो द क्वार्क आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्टेम।